दोस्तों एक्सेल में हमें पता है वी लुकअप और एच लुकअप हम यूज करते हैं करेक्ट टू गेट द वैल्यू रेफरेंस। बट यहाँ पे एक मैं आपको एक फंक्शन बताता हूँ जो एक्सेल के अंदर अवेलेबल है, विच इज कॉल्ड कंसोलिडेट। ठीक है, वो क्या करता है, वैल्यूज को सम करके या फिर आपके फंक्शन के हिसाब से आपको पर्टिकुलर वैल्यू का रिजल्ट दे देता है। कैसे होगा वो, पर्टिकुलर ये डेटा है मेरे पास, कुछ डेटा सेट्स मैंने ले रखा है, ठीक है, इसे कुछ वैल्यू में चेंज कर देता हूँ, 8000 राइट, डमी सा डेटा है दोस्तों। एंड देन जैन का पास मेरे पास कुछ डेटा है, ठीक है, एंड देन मुझे अभी चेक करना है इसकी टोटल अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर कॉलम। तो कैसे करेंगे, ये डेटा के अंदर जाएंगे, कंसोलिडेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दोस्तों फंक्शन हमें चूज करना है। आप यहाँ से काउंट, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम ये फंक्शन यूज कर सकते हो। इसमें से अगर आपको कुछ फंक्शन नहीं आ रहे हैं दोस्तों तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो मैं आपको वीडियो नेक्स्ट सीरीज में बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं सम ले रहा हूँ, एंड देन यहाँ पे डिलीट पे क्लिक कर दूंगा, ये मैंने पहले क्रिएट कर रखे थे। आपके यहाँ पे कुछ ब्लैंक सा बॉक्स दिखेगा, ठीक है, तो क्या करना है हमें, यहाँ पे रचना मोदी का जो है राइट जैन और फेब में जो डेटा है उसका टोटल यहाँ पे आना चाहिए। तो क्या करेंगे, ऐड पे क्लिक करता हूँ, पहले रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे हम राइट, कहाँ से ले रहे हैं, तो मैं रेफरेंस ले रहा हूँ दिस पर्टिकुलर एम्प्लॉय, यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद ठीक है सिलेक्शन आ जाएगा कुछ इस तरह से, ऐड पे क्लिक करना है, एंड देन अगेन जैन पे क्लिक करता हूँ, जैन मंथ में यहाँ से मैं ये सिलेक्शन लेना है, ओके पे क्लिक, एंड देन यहाँ पे क्रिएट द लिंक सोर्स डेटा, ताकि मुझे वो पता चले कि एग्जैक्टली सोर्स कहाँ से ले रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली उसको लिंक क्रिएट करेगा। एंड देन ओके पे क्लिक करना है दोस्तों हमें, वंस आई क्लिक ऑन द ओके बटन तो ये ऑटोमेटिकली सम फॉर्मूला ले लेगा। अब ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है, कहाँ से रेंज ले रहा है पर्टिकुलर वैल्यूज की, तो हमें क्लिक करना होगा यहाँ पे, ठीक है, ये जो कॉलम से ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे ग्रुप्स के अंदर, तो ये हमें ड्रॉप डाउन नीचे दिखाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो फेब मंथ B4 से ले रहा है रेफरेंस, एंड देन जैन मंथ B4 से। दोस्तों यहाँ पे कमाल का सीन यहाँ पे ये भी है, अगर आप चेंज कर रहे हो यहाँ पे वैल्यू को, सपोज मैं 60,000 या फिर कुछ और वैल्यू डाल दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, डालने के बाद मुझे रिफ्रेश करने की भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वैल्यू को ले लेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा यहाँ पे पैरामीटर्स नहीं है कि हमें सेम एजेंट का या फिर जो कोई नेम है यहाँ पे राइट उनसे ही वैल्यू को कैलकुलेट करना है। आप क्रॉस भी ले सकते हो, जैसे कि मैंने अगर इसका लिया है और मुझे यहाँ से प्लस करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको एक कंसोलिडेट फंक्शन समझ में आया होगा, बड़ा ही कमाल का फंक्शन है, आपके रिलेटेड लाइफ में आप यूज कर सकते हो, जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो या फिर जहाँ पे आप टीच कर रहे हो। ठीक है, सो प्लीज गिव मी थम्स अप ऑन दिस चैनल एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।